और देखो बी क्रॉस 600 तक जा रही है पूरा नीचे। वो देखो 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 स्किट हो रही है। टेम्परेचर इस टाइम पे देखो क्रिस्टल पूरा जमा हुआ है, देख रहे हो। मैं बहुत सोने की कोशिश कर रहा हूँ यार, नींद नहीं आ रही, सिर दिख रहा है, अनकंफर्टेबल सा ना महसूस हो रहा है। ऐसे करके गाड़ी तो ऊपर पहुंच गई, तो हवा पूरी यार जबरदस्त है यहाँ पे। आगे कह रहे हैं कि गाड़ियाँ फंसी हुई हैं एक दो, पता नहीं कौन सी फंसी हुई है। वो राशि चला यार, गाड़ी शुक्र ले आई यहाँ तक। बुलडोजर के हाल देख रहे हो आप लोग भाई, जबरदस्त सीन है। शुक्र है चढ़ गई यहाँ से न्यूट्रल में करके मोशन बना के। भाई खूब अंधेरी चल रही है, वैसे तो कितना कैंपिंग करने का प्लान है यहाँ पे, लेकिन स्नोफॉल है ना जो रुक नहीं रही, तो नीचे का थोड़ा सा अपडेट मिली थी कि नीचे 4-5 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। अपनी गाड़ी का चक्कर यह है ना एयर मास सेंसर, वही वो देखो बी क्रॉस और फॉर्च्यूनर, दो गाड़ियाँ स्टक है यहाँ पे, देख रहे हो भाई। ये देखो दोस्तों बस हो गई, हाथ पर सुन हो गए। मैं तो भाई ऊपर आ गया, हाल देख रहे भी स्टार्ट हो गया क्योंकि आगे ना ज़्यादा स्नो है, तो गाड़ियाँ सारी फंस रही हैं। तो वो अभी फॉर्च्यूनर अभी यहीं तक आई है। वो देखो बी क्रॉस 600 तक जा रही है पूरा नीचे। वो देखो 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 स्किट हो रही है। फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक है, टू व्हील ड्राइव है, वो ले आया अपने वाला हाल है उसका। भाई रोक देता है यार बीच में। हटो हटो हटो, वापस लेके आ रहे हैं। अच्छा तभी वो स्टार्ट किया है ना, वही उम्र मौसम देखो। अच्छा ये स्टार्ट किया, मैंने कहा कि स्नो हटाने के लिए स्टार्ट किया है, इसे निकाल के लेके आएंगे फॉर्च्यूनर। अब ये निकालने गई है। ओ भाई देखो ट्रक कैसे काट रही है, इस पता नहीं है ना भैया, अभी देख लेते हैं, खड़े हैं खींचते हुए। ओ भाई दोबारा नोट पाया हैवी लोड। भाई इनको सलूट है, देखो इतनी ठंड में कैसे खड़े हैं, देख रहे हो मस्त फीलिंग है यार इनकी, पता नहीं कैसे ये रहते हैं लोगों को रेस्क्यू करना। ये बुलडोजर तो काफ़ी दिन से खड़ा होगा क्योंकि आई जम गई है ना फ्रंट पे। लेके आ रहा है भाई आसानी से, इजी बिल्कुल इजी लेके आ रही है गाड़ी। Thank you.
भाई इजी ले आई गाड़ी। उसने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी नहीं जा रही आगे, तो रिटर्न ही ले लिया इन लोगों ने। मौसम बहुत खराब हो रहा है ऊपर देखो, इधर पर खड़ा है। इधर दबा दो इधर। हाँ बुरे हाल है इस टाइम पे, बहुत सी गाड़ियाँ आगे स्टक हैं, कुछ यहाँ पे हो गई हैं, तो ये लोग तो वापिस को हो रही है बस। तो ये भाई भी बना रहे थे अंदर फंसा कर बैठ गया, गोर है गोर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई हार्ड स्नो में किसका जोर चलता है, पीछे ले लेंगे टोचे। साहब मशीन कहाँ लगानी है आप बताओ ना। इजी भाई इजी, जिमनी तो एकदम आराम से निकल आती है भाई। हाँ सुन हो रहे हैं कंटेंट के चक्कर में फुल। बस बस निकालो भैया, राजस्थान लो और मैं लुधियाना पंजाब। अच्छा पकड़ो पहले। हाँ सुन हो गया पकड़ के पीछे करता हूँ बैटरी डाउन। तो भाई सिलेंसर पे बैठ के सेकेंगे थोड़ा सा, अगर निकलती भाप ही नहीं आ रही। तो भाई ऐसे कुछ सिंपला क्या पीछे, तो बी आर ने सारी गाड़ियां निकाली थी अभी, तो गाड़ी आज देखो फॉर टू हार्ड डिक्की तो ना खुलने वाली, फुल टू हार्ड डिक्की तो अपनी बंद होगी। ये दरवाज़ा अभी मैंने चेक नहीं किया क्लोज, चलो यही ओपन था, बाकी सब कुछ क्लोज हो चुका है। तो फिलहाल अभी के लिए ना अपना कैंपिंग का प्लान है यहाँ पे, क्योंकि तो लेकिन स्नोफॉल भी हो रही है, तो स्नोफॉल अगर हुई ना दोस्तों तो 4 से 5 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। वही सोच रहे हैं कि यहाँ पे कैंपिंग करें या ना करें सिंकुला पे। आर्मी वालों ने तो परमिशन दे दी है कि कर सकते हो, लेकिन तक अगर स्नोफॉल होगी तो आप लोगों का आया जिम्मा हमारा नहीं। तो भाई अभी देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो जैसी अपडेट होगी आप लोगों को बता दूंगा थोड़ी देर में, फिर देखना। दोस्तों जो मैं प्लान आप लोगों को बता रहा था कैंपिंग का सिंकुला पे, तो वो तो हम लोगों ने डन कर दिया, मतलब पूरा सिंकुला खाली हो गया था भाई। बाद में कहोगे फ्रॉड फ्रॉड, ये देख लो सिंकुला पूरा खाली है, हम ही लोग हैं बस। दिक्कत होगी भाई, ऐसे कितना एक्सट्रीम
ये देखो जब बर्फ फ्रिज में जमती है ना वैसा हाल हुआ बड़ा इस टाइम। वाइपर तो मतलब काम करना ही बंद हो गए, पूरी गाड़ी स्नो से जाम हो गया, दरवाजे वगैरह कुछ नहीं खुल रहा, यहाँ पे हवा फुल तेज चल रही है। स्नो का प्रेडिक्शन तो है रात का, लेकिन रात काटेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आज करेंगे कैंपिंग करके। चलो पहले ना फटाफट कुछ खा लेते हैं 7 बजने वाले, क्योंकि अंधेरा हो गया, फिर लेट जाएंगे, फिर थोड़ा दिखाएंगे बाहर रात का माहौल आप लोगों को। दोस्तों सब कुछ जाम हो रहा है, ये देख रहे हो सब कुछ जाम है यहाँ पे, तो जंसकर साइड जाने का रास्ता हमारा अब तो भाई जाएंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे कैंप चल रहा है अपना, इधर पूरा जाम हो चुका है सौ से भाई। तो अंदर का माहौल दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैंने बना दिया अंदर बेड, वो कंबल ले लेंगे ऊपर मस्त सो जाएंगे। उस साइड से मैं आऊँगा अंदर, शूज़ उधर रख लेंगे, सुबह निकलूँगा अभी उधर से, क्योंकि शूज़ पहनने पड़ेंगे ना, ये चक्कर है दोस्तों। फिलहाल स्नोफॉल हल्की 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 हो रही है, उस साइड मौसम देखो पूरा पै गया है। गाड़ी के देखते हैं कि पूरी रात स्टार्ट रखनी है या बंद करनी है, ये देख रहे हो क्या बोलते हैं, खड़े कर देते वाइपर बगैर खड़े करते हैं। पास दिखाओ तो भाई ये है बहुत अपने, हाँ जी खाना। तो दोस्तों बुटेन गैस को आग नहीं लग रही थी तो बाहर रख दिया मैंने, स्नो डाली है बीच में, देखते हैं कितना पानी बनता है, मौसम पूरा अंधेरा अंधेरा होने से पहले पहले खाना गर्म करना पड़ेगा। तो मैंने दम बिरयानी का पैकेट डाला इसमें, पानी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्की फुल्की हवा लग रही है, तो 7:30 होने वाले, माहौल दिखाता हूँ आप लोगों को, माहौल खतरनाक है इधर के, क्योंकि अभी तो हम लोग आगे भी नहीं जा पाएंगे, यहीं पे अपना करेंगे आज, मजा आने वाला है फुल। अभी ऑन होगी श्रृंखला की, एक ही हुई है अभी तक तो, फुल अंधेरा होगा यहाँ पे, मजा आएगा मजा मजा। तो अपनी दम बिरयानी गर्म हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में, लेकिन हो जाएगी। दोस्तों अभी का सीन ये है, पैर पूरे सुन्न हो रहे हैं, कैंपिंग तो कर लिया, अब रात देखना पड़ेगा कैसे कटेगी, पैर पूरे सुन्न हो रहे हैं मेरे, तो मैंने ना दम बिरयानी जितनी हो सकी मैं अपने उतनी गर्म कर ली यार, यही खाने की कोई चक्कर नहीं, यही है गुजारा, बाकी नमकीन मेरा पड़ा है अपने पास है ना, उससे भी देख लेंगे। ठंड जो है ना वो भी थी गर्म, ठंड जो है ना ठंड एक्सट्रीम लेवल पर होने वाली है, वो तो यार एक बंदे के लिए वर्थ इट है। तो बना रहे हैं दाल चावल, दम बिरयानी, चलो खाते हैं पहले दम बिरयानी, क्योंकि टाइम पे खा लेंगे, फिर थोड़ा सा रात को देखेंगे स्नोफॉल का सीन तेज होता है क्या होता है, फिर उस हिसाब से हम लोग अपना प्लान रखेंगे। प्लान तो बन गया, अब कैंपिंग का कर लिया तो सारा सेटअप हो गया है। ठंडी रहेगी लेकिन ऐसी जगह पे भाई ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अगर मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाऊं ना तो जो वहाँ का मौसम है ना एकदम खतरनाक हुआ पड़ा इस टाइम पे।
तो दोस्तों खाना खा लिया है, तो बाहर का माहौल दिखाता हूँ। हवा कितनी तेज चल रही है बाहर, मतलब अगर दिख सके, रुको एक मिनट, हवा देखो कितनी तेज चल रही है। वो सामने भी फ्लैग्स देख रहे हो, मस्त हवा चल रही है बाहर। टेम्परेचर इस टाइम पे देखो, क्रिस्टल पूरा जमा हुआ है, देख रहे हो हाल गाड़ी के। मतलब एंडा आ रहा है, पूरी तेज हवा चल रही थी, अब हवा नहीं चल रही, लेकिन ठंड पूरी है यार, भयंकर ठंड है, भयंकर ठंड। ये देखो पूरा कांच है, कांच जमा हुआ है। गाड़ी के हाल देखो, ऊपर देख रहे टाइम 11 बज रहे हैं, तो जा रहा हूँ भैया गाड़ी में, चलो देखने का सेटअप बना क्या है। बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, पूरा कप भी लग गई। दोस्तों मैं ना बहुत सोने की कोशिश कर रहा हूँ यार, नींद नहीं आ रही, सिर दुख रहा है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा ना महसूस हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ सोने की, समझ नहीं आ रहा। बाकी काफी टाइम 2 बज रहे हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिंकुला। तो भाई कल रात मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गई थी, देख रहे हो होट उठ सब फट गए हैं। मतलब मैंने ना ये बेड सेटअप बनाया था यहाँ पे, जब मैं 11 बजे गाड़ी के अंदर आया तो नींद तो आ गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 3 बजे मेरी आँख खुली भाई, उसके बाद नींद ही नहीं आई, सिर दर्द, टांगे पैर पूरी बॉडी एकदम दर्द हो रही, बल्कि अभी पानी भी मैंने पूरा पिया था। तो फिर मैं 3 बजे के बाद ना सब 4 बजे सीट पर आके, ड्राइवर सीट पर आके लेट गया था भाई। इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी ना यहाँ पे कि भाई भाग लो गाड़ी लेके, लेकिन नहीं, मैंने कहा यार रुके हुए हैं तो फिर करेंगे। अभी भी मतलब बॉडी डाउन नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों, मेडिसिन खानी पड़ेगी, यही हाल है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बाहर का माहौल दिखाऊं, चलो दिखा। तो भाई देखो ऊपर लाज जो उन्होंने टार बनाई हुई है, देखो ये जगह, ये तो भाई जाम ही पड़े हैं, पूरी जाम पड़ेगी, क्योंकि अभी धूप नहीं आई, इधर धूप उधर है अभी शिंकुला की। हाँ हो पूरा एक्सट्रीम था, ये भी जाम पड़ा है, मेडिसिन ले ले, थोड़ी सी ऐसे बात हो। अंदर ही बैठते हैं, तो भैया मेडिसिन खाते हैं क्योंकि थोड़ा सा फीवर भी हो गया था यहाँ पे। और क्या हाल दिखाऊं, देखो देख रहे हो वाइपर्स के हाल, शुक्र है कल रात मैंने ऊपर को खड़े कर दिए थे, नीचे लगता तो नीचे ही रह जाते। धूप आ गई है टॉप पे, बस थोड़ी देर बाहर बैठेंगे धूप में यार, ठीक है ना, थोड़ी देर बाहर बैठ के बॉडी को धूप देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। कल रात भाई मुझे पता है, लेकिन आप लोग पंखा ना लेना, मतलब सोच समझ के पंखा लेना, इतनी तेज हवाएं थी ना, बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों जबरदस्त धूप निकली है शिंकुला पे, सुबह के 7:30 हो रहे हैं, तो धूप देख तो आप मेरे पीछे, वो पीछे शिंकुला का बोर्ड लगा वहाँ पे भाई, ऐसी रात आज तक नहीं काटी जैसी मैंने कल रात काटी है कैंपिंग में। शिंकुला पास पे स्नो की बात करें
भाई हर तरफ बहुत सारी स्नो है यार, उधर सारा एवलांच जोन है, ये तो उतर ही इधर भी हमें एवलांच मिलेंगे। इस साइड का नाम हुआ है गुमपुरंगजन, आज का प्लान अपना है गुमपुरंगजन का, वो शंकुला बाबा ऊपर, वहाँ पे तो जा नहीं सकते, बहुत स्नो है वहाँ पे, बहुत डीप स्नो है। गाड़ी धूप आ गया है कि थोड़ी स्नो मेल्ट हो जाएगी, पैरों में बुरा हाल हो रखा है।